सो गाइस आईपीएल 2021 अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, ये तो लगभग अब कंफर्म लग रहा है। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है आईपीएल 2021 के वेन्यूज को लेके। यहाँ पे बीसीसीआई ने काफी बड़ा हिंट दिया है। काफी लोगों को लग रहा था कि एक ही स्टेट में आईपीएल 2021 को पूरी तरीके से करवा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई ने अपने प्लान्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। साथ में गाइस यहाँ पे शेड्यूल के बारे में भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चेन्नई सुपर किंग के कैंप से भी काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुरेश रैना की ओर से काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सो गाइस इस वीडियो में खबरों का अंबार पड़ने वाला है। गाइस काफी डिटेल वीडियो, ये वीडियो अभी से लेके पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का बटन दिया, उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वेन्यूज की। अब काफी लोग ये कह रहे थे कि वेन्यू हो सकता है कि काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, वेन्यूज में बदलाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2021 को मुंबई में ही पूरी तरीके से जो 3-4 शायद उनके लोकल जो स्टेडियम है उन्हीं में करवा के खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि इस बार को कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए, बायो बबल सिक्योर को करते हुए 5 वेन्यूज को फिलहाल में फाइनलाइज किया है। और गाइस अगर ऐसी तरीके से अगर मामले यहाँ पे अगर कोरोना के अभी फिलहाल में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बीसीसीआई के कंट्रोल में या फिर अगर कंट्रोल में आ जाते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि 8 वेन्यूज में करवा दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल में बातें ये चल रही हैं कि जो वेन्यूज है, अगर उनके नामों की बात करें तो पहले वेन्यूज का नाम है मुंबई, दूसरे वेन्यू का नाम है कोलकाता, तीसरे का नाम है चेन्नई, चौथे का नाम है हैदराबाद और पांचवां शायद दिल्ली का सोच रहे हैं। अभी उस पर मुहर नहीं आई है, लेकिन अभी नहीं 4 अभी वेन्यूज पे बातें चल रही हैं। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैदराबाद, चेन्नई और जितने भी हैं मुंबई और कोलकाता के जितने भी वेन्यूज हैं उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से उन्हें अपना होम ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी बातें चल रही हैं, अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल अगर पूरी तरीके से फॉलो किए जाते हैं, बायो बबल सिक्योर को अगर पूरी तरीके से बायो बबल बनाया जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि वेन्यूज को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। हो सकता है कि 8 वेन्यूज पे पूरी तरीके से आईपीएल करवा दिया जाए। लेकिन फिलहाल में अभी तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जो 4 वेन्यूज हैं वो टोटली अभी बीसीसीआई फिक्स करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वेन्यूज तो यहाँ पे फिक्स किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बैकअप के तौर पे यूएई को यहाँ पे बीसीसीआई ने तय किया है। अगर यहाँ पे जो कोरोना अभी फिलहाल में बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मुकाबले हैं वो यूएई में भी शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन बैकअप तैयार रहेगा, आईपीएल 2021 होने वाला है, ये बीसीसीआई ने अपनी ओर से कंफर्म कर दिया है। तो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। और गाइस ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है शेड्यूल को लेके। अब शेड्यूल को लेके काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे ऑक्शन भी हो गया है, आईपीएल का शेड्यूल कब आने वाला है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे शेड्यूल की जो अभी फिलहाल में जो बीसीसीआई डेट सामने ला रही है, जो कि टेंटेटिव डेट्स है, वो 20 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में यहाँ पे आ रहा है। हाँ गाइस इनके बीच में यहाँ पे वेन्यूज को फाइनली बीसीसीआई फाइनलाइज करने वाली है। लेकिन अभी ये इन्हीं 5 जो डेट है मिड में, इन्हीं के बीच में यहाँ पे बीसीसीआई सोच रही है कि वेन्यूज को फाइनलाइज किया जाए। अभी वेन्यूज की बात चल रही है, और अगर वेन्यूज पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है तो उसके बाद शेड्यूल की भी बातें करके शेड्यूल को भी फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की बातें यही है कि 20 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में यहाँ पे शेड्यूल को लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अब न्यूज नंबर 3 के बारे में। अगर ये जो न्यूज निकल के आ रही है वो चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि गाइस विजय हजारे ट्रॉफी में चेन्नई के बैट्समैन यहाँ पे नारायण जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड और यहाँ पे रॉबिन उथप्पा, ये खिलाड़ी यहाँ पे काफी ज्यादा तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से समझिए कि अपने टीम की ओर से काफी ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं। और इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इन खिलाड़ियों का चलना ठीक आईपीएल से पहले कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा राहत देने वाला है चेन्नई सुपर किंग के फैंस को, ये उनके फैंस काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी बेखूबी जानते हैं। और गाइस इस वजह से इन 3 खिलाड़ियों का जो कि डोमेस्टिक लीग में चलना इंडिया, खासकर सबसे बड़ी बात यही है कि इंडियन कंडीशन में इतना अच्छा परफॉर्म करना उनके टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेन्नई के फैंस के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ठीक आईपीएल से पहले 1.5 महीने पहले अगर इसी तरीके का फॉर्म अगर खिलाड़ी दिखाते हैं, इसी तरीके के अच्छे फॉर्म में दिखते हैं, तो इनके टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इससे जो साफ साफ जो नज़रिया है आईपीएल 2021 को जीतने का चेन्नई का,
वो भी यहाँ पे सफलतापूर्वक पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम खबर के बारे में। गाइस ये जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सुरेश रैना को लेके। सुरेश रैना को लेके भी काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक यहाँ पे सीरीज चला था, तो वहां पे सुरेश रैना ने सेंचुरी जड़ा था, काफी तेजी से इन्होंने रन बनाए थे। और अभी की खबर ये चल रही है, अभी की बातें ये चल रही है कि सुरेश रैना अब धीरे धीरे करके फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। और गाइस इस तरीके से जब चेन्नई का कैंप लगने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च के बीच में यहाँ पे लगने वाला है, इस तरीके से चेन्नई के कैंप की बातें चल रही हैं, वहाँ पे सुरेश रैना ने अपने पार्टिसिपेट होने की वहाँ पे एंट्री उन्होंने हाजिर कर दी है। यानी सुरेश रैना उस सेशन का जो कि होने वाला है, जो कि आईपीएल से ठीक पहले, उसमें ये हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। यानी सुरेश रैना ने फाइनली अपनी ओर से कंफर्म कर दिया है। धोनी भी रहने वाले हैं, ये भी कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे सुरेश रैना ने इसी तरीके से इतना जल्दी पार्टिसिपेट अपना पूरी दिया है। इस तरीके से हमें मालूम चलता है कि सुरेश रैना आईपीएल 2021 को काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और गाइस इस वजह से इनके फैंस के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, और यहाँ पे सुरेश रैना के जितने फैंस हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सो गाइस ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो कि फिलहाल में निकल के आ रही है आईपीएल 2021 को लेके, डेट्स को लेके, टाइमिंग को लेके। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि इनमें से आपको कौन सी खबर लगी सबसे ज़्यादा अच्छी, आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो सुनने का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों के साथ वीडियो खत्म करते हैं, अब आपको मिलेंगे हम अगले एनालिसिस के साथ।